आप में से कई लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आप एक नई जगह पर गए तो भले ही आप बहुत थक गए हों, पर उस जगह पर आपका शरीर सो नहीं पाएगा। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? यदि आप यात्राएं करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपने कुछ स्थानों पर ध्यान दिया होगा कि आपका शरीर बस सो नहीं पाता। आप पूरी तरह से थक चुके हैं, पर आप सो नहीं पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अपने घर में, आपके बेडरूम में, आज इसे कुछ कहा जाता है, फॉरेंसिक लोग एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं, थर्मल इमेजिंग। देखिए, अगर आप 24 घंटे बाद यहाँ बैठते हैं तो कोई मशीन लेकर आएगा और पता लगाएगा कि गायत्री कहाँ बैठी थी। उस जगह में एक याददाश्त बाकी है जिसका वे पता लगा पाते हैं, यह व्यक्ति केवल यहीं बैठा था, वहां नहीं। ठीक है, अगर आप अपने कुत्ते को लाते हैं तो वो जान जाता है कि वो यहाँ बैठी थी, है ना? तो वहाँ कुछ बचा है कि नहीं? स्पष्ट रूप से वहाँ कुछ छूट गया है। यही कारण है कि एक कुत्ता या एक मशीन या कोई और चीज उसका पता लगा लेती है। तो आप रोज एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं, वहाँ आपकी ऊर्जा का कुछ पहलू बचा है, वहाँ आप बहुत सहज हैं। अगर आप किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं जहाँ ऊर्जा बहुत अलग है, तो आप आराम से नहीं बैठ पाते। कभी कभी यह सिस्टम को नुकसान भी पहुँचा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति लगातार यात्रा कर रहा है, वह रुद्राक्ष पहनता है ताकि उसके पास अपनी ऊर्जा का एक कुकून हो, ताकि बाहरी ऊर्जाएं उसे परेशान न करें। उसके पास एक कवच होता है। आपको पता है कवच क्या होता है? कवच यह कुकून जैसा होता है। यह आपकी खुद की ऊर्जा का कुकून है। आप जहां भी जाते हैं, आपका निजी बेडरूम आपके साथ जाता है। आप जहां भी जाते हैं, यह आपके साथ यात्रा करता है। विशेष रूप से यात्रा में आपकी आभा टूट फूट जाती है, इसलिए आप यात्रा के बाद बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। वास्तव में आप बैठते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कोई गाड़ी चला रहा है, आप बस बैठे हैं। 10 घंटे के बाद आप पाते हैं कि आप बहुत थक गए हैं, आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपकी ऊर्जा चरमरा जाती है। आपका शरीर उससे तेज गति से गया है जितनी गति के लिए इसे डिजाइन किया गया है। तो पहली चीज जिसमें टूट फूट होती है, वह है आपकी आभा। यदि आप तेज 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 जाएं, मान लें कि आप प्रति घंटे 600 मील की रफ्तार से जाते हैं विंडशील्ड के बिना एक खुली जगह में, तो आप देखेंगे कि आपकी त्वचा छिल जाएगी, उसके बाद आपका मांस उड़ जाएगा, उसके बाद आपकी हड्डियां उड़ जाएंगी, है कि नहीं? पहली चीज जिसमें टूट फूट होना शुरू होती है, वह है आपकी आभा। तो गति के साथ, तेज और तेज गति के साथ आभा टूट फूट जाती है। इसलिए यदि आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो यह आपको एक निश्चित कुकून प्रदान करता है। यह आपकी आभा को एक निश्चित स्थिरता प्रदान करता है जिससे गति को अच्छी तरह से संभाला जा सकता है। दोस्तों, आपकी सहायता के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दी जा रही है, जहां से आप सर्टिफाइड रुद्राक्ष या रुद्राक्ष माला ले सकते हैं, जिसे लेने के बाद आपकी निशुल्क सहायता भी की जाएगी, जिससे आप रुद्राक्ष को सही तरीके से और सही समय पर धारण करके इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।